बीजेपी का मीडिया सेल संपर्क टोली प्रवक्ता और पैनलिस्ट को चुनावी समर में उतारने से पहले ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली से आए बीजेपी सांसद और मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कार्यशाला में मीडिया सेल संपर्क विभाग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और तय किया गया है कि जयपुर में मीडिया वॉर रूम बनेगा जो चुनावों में अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी ने मीडिया सेल को सशक्त बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। जयपुर समेत सभी संभागों में मीडिया सेंटर होगा। सभी पदाधिकारियों को आगामी 90 दिनों तक जुटने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में अलग से मीडिया वॉर सेंटर बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी एक मीडिया इंचार्ज भी नियुक्त करेगी। अत्याधुनिक मीडिया सेंटर तैयार किए जाएंगे। वाईफाई सुविधाओं से लैस मीडिया सेंटर होंगे। मीडिया सेल सदस्यों के पास एंड्रॉइड लेटेस्ट सेल फोन होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सूचनाएं दी जाएंगी। बीजेपी की विश्वसनीय खबरें नीचे तक पहुँचे, इस पर फोकस रहेगा। भ्रामक प्रचार का जवाब दिया जाएगा और सच सामने लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि चुनावी राज्यों में वहां के स्थानीय मीडिया सेल को सशक्त बनाने की जरूरत है। राजस्थान बीजेपी पीछे नहीं रहनी चाहिए। देखिए, सामान्य रूप से पार्टी के जितने भी संगठन के प्रकोष्ठ चलते हैं उन सब के कार्यक्रम सतत चलते रहते हैं और उसी के तहत एक मीडिया की कार्यशाला है, कोई नई चीज नहीं है, एक रेगुलर पार्टी की एक्टिविटीज का प्रोसेस है। कार्यशाला को बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख विमल कटियार, संपर्क प्रमुख आनंद शर्मा, सह प्रमुख नीरज जैन ने संबोधित किया। प्रवक्ता मंडल में से राजेंद्र गहलोत, अलका सिंह गुर्जर, पिंकेश पोरवाल, पंकज मेड़ा समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया सेल ने राजस्थान मीडिया सेल को 90 दिनों का टास्क सौंपा है। इसमें खुद को साबित करना होगा। हो सकता है मीडिया सेल की अगली मीटिंग में सामना अमित शाह से हो। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।